हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी कैफे और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेपा रिक्रूटमेंट के बारे में, यानी कि नॉर्थन ईस्टर्न पुलिस एकेडमी। और इस वीडियो में हम पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप इस जॉब की डिस्क्रिप्शन जानना चाहते हैं तो studycafe.in पर विजिट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे विजिट करके आप रिक्रूटमेंट की डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। नॉर्थन ईस्टर्न पुलिस एकेडमी ने जो यहाँ पे पोस्ट निकाली है वो असिस्टेंट डायरेक्टर इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप ए और लेवल 10 एंड डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर आउटडोर ग्रुप बी विथ लेवल 7 यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 5 अगस्त 2022 है। मैक्सिमम एज अप्लाई करने की 56 ईयर है, नॉट एक्सीडिंग दैट। और अगर बात करें यहाँ पे पोस्ट वाइज, हम लोग असिस्टेंट डायरेक्ट इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है वो कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या फिर किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, पब्लिक सेक्टर से, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, विद जिन्होंने रेगुलर अपॉइंटमेंट पे काम किया है विद लेवल 8 पे लेवल के साथ में, वो यहाँ कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैंडिडेट के पास होनी चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और 3 साल का इलेक्ट्रॉनिक डाटा में एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पे ये रहेगी कि इनको सेवरल ट्रेनिंग में एनरोल किया जाएगा। जो भी प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं एकेडमी के थ्रू उनमें इनको अपॉइंट किया जाएगा। और बात करें डिप्टी डायरेक्टर आउटडोर की तो यहाँ पे सेम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, PSU या फिर सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल की सर्विस के साथ में विद रेगुलर पे मैट्रिक्स 6 लेवल के साथ में, या जिन कैंडिडेट्स ने काम किया है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और सब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराने के लिए आपको यहाँ पे आप ऑनलाइन विजिट कर सकते हैं साइट की, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना नॉमिनेशन विद क्वालिफाइड ऑफिसर विद देयर बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पे अटेस्ट करा के आपको सेंड करना पड़ेगा और आप साइट पे विजिट करके यहाँ से ये नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये थी रिक्रूटमेंट की डिटेल्स। अगर आप डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो आप studycafe.in पर विजिट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। जब आप लिंक पे विजिट करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा और नीचे आपको लिंक गिवन होगा जिसको आप क्लिक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो ये थी रिक्रूटमेंट की डिटेल्स। ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए आप studycafe.in को सब्सक्राइब करें या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।